हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय वीडियो। आज मैं ये बहुत मज़े की वीडियो लेकर आई हूँ ऑफ चॉकलेट केक। बटर फ्रॉस्टिंग बनाएंगे, बहुत मज़े का केक बनता है ये। इस केक की रेसिपी मैंने पहले भी अपलोड की थी, बहुत व्यूज़ आए थे उस पर, तो इसको रिक्रिएट करते हैं थोड़े और बेहतर अंदाज से। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। फॉर बैटर यहाँ पर मैं 3 अंडे ले रही हूँ। देन यहाँ पे मैं चॉकलेट एसेंस ऐड कर रही हूँ। अगर चॉकलेट एसेंस आप लोग के पास नहीं है तो वनीला एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। देन आई एम गोना बीट फॉर 10 मिनट्स। फिर यहाँ पे मैं पाउडर शुगर ऐड कर रही हूँ, 3/4 कप। ग्रेजुअली ऐड करूँगी और साथ साथ बीट भी करती रहूँगी बीटर से। हमें एक अच्छा फोमी सा टेक्सचर का बैटर बनाना है, तो अब मैं यहाँ पे 8 मिनट्स और बीट करूँगी। देन यहाँ पे मैं ऑयल ऐड कर रही हूँ, फिर थोड़ी देर में और बीट करूँगी। देन हेयर आई एम एडिंग 1 कप फ्लोर। हाफ कप यहाँ पे मैं डश कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये डार्क कोको पाउडर है, लाइट कलर का नहीं है, ये डार्क कलर का होता है और ये ज़्यादा मज़े का भी होता है। और छान के ही यूज़ करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। देन 1 टीस्पून यहाँ पे बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। देन 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। देन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। एक और इंग्रेडिएंट बाकी रहता है, हम वो एंड में डालेंगे। यहाँ पे बैटर थोड़ा सा थिक है, तो उसको मैं थोड़ा रिबन कंसिस्टेंसी में लाने के लिए यहाँ पे ऐड कर रही हूँ मिल्क। यहाँ पे मैंने 1/4 कप मिल्क ऐड किया है, ग्रेजुअली ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ एक कंसिस्टेंसी के लिए मिल्क ऐड किया जाता है। और यहाँ पे बैटर बिल्कुल रेडी है, यू कैन सी कंसिस्टेंसी इसकी बहुत रिबन सी है। और यहाँ पे मैंने 7 इंचेस का मोल्ड ले लिया है, विच इज़ इनफ फॉर मी। और यहाँ पे मैं सारा बैटर को मैं डाल दूँगी। यहाँ पे मैं अच्छे से टैप कर लूँगी, क्योंकि जितनी भी एयर होती है अंदर वो सारी निकल जाती है। और एक बार फोक से मैं हल्का सा हिला लूँगी ताकि वो सारा बैटर अच्छे से फिक्स हो जाए। यहाँ पे मैंने अपना पतीला प्रीहीट कर लिया था फॉर 10 मिनट्स, और मैं यहाँ पे अपना केक अंदर रख ले रही हूँ। और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है। और देखें, 20 मिनट के लिए मैंने इसको रखा था और ये कितना अच्छा फूला है। जो स्टोव पे चूल्हे पे बेकिंग होती है वो ओवन में नहीं होती, चूल्हे पे बहुत ज़बरदस्त बेकिंग होती है और इसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा गया है। अब यहाँ पे हम आइसिंग की तरफ जाते हैं, हम अपनी जो बटर फ्रॉस्टिंग है। यहाँ पे मेरा एक क्लिप मिस हो गया था, तो यहाँ पे मैंने आइसिंग शुगर ली है, क्वांटिटी मेंशन है, और कोको पाउडर भी मैंने उसमें ऐड किया है। फिर यहाँ पे मैं 1 कप मेल्टेड डार्क चॉकलेट ऐड कर रही हूँ। आप लोग माइक्रोवेव ओवन में भी इसको मेल्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मिल्क डाल के, 1 या 2 टेबलस्पून मिल्क डाल के। यहाँ पे अब मैं बटर ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून। रूम टेम्परेचर पे बटर था, हमने मेल्ट करके नहीं डालना है, रूम टेम्परेचर का बटर यूज़ करना है। और सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और यहाँ पे मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ। जिस पैन में मैंने चॉकलेट मेल्ट की थी उसी में मैंने जो दूध है वो गर्म कर लिया था, और हम अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे और यहाँ पे मज़ेदार सी बटर फ्रॉस्टिंग चॉकलेट वाली तैयार है। यू कैन सी कितनी शाइन और कितनी चॉकलेटी ज़बरदस्त बनी है, टेस्ट में बहुत मज़े की थी ये। अब हम अपने स्पॉन्ज की तरफ चलते हैं, यहाँ हम केक को डीमोल्ड कर लेंगे और यू कैन सी कितने आसानी से निकल गया है, बहुत सॉफ्ट ये बेक हुआ था और बटर पेपर कितनी आसानी से निकल गया। देन अब इसका मैं ऊपर का डोम कट कर लूँगी, वो अननेसेसरी होता है, और मैं दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लूँगी, बिल्कुल इक्वली कट करूँगी। मेक श्योर आप लोग टेढ़ा ना कट करें, वो बहुत फिर आउट हो जाता है केक। कटिंग अच्छी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे मैं शुगर वाटर ब्रश कर रही हूँ टू मेक इट लेयर मोर सॉफ्ट, और जो आइसिंग मैंने बनाई थी उसको मैं पाइपिंग बैग में भर ली थी और यहाँ पे मैं अच्छे से उसको अप्लाई कर ले रही हूँ। अगर आप लोग पाइपिंग बैग में भर के अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहता है। और दूसरी लेयर भी सेट कर लूँगी और जो चीनी का पानी है वो भी हम अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। वैसे केक बहुत मॉइस्ट बना था, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फॉर स्टेप्स मैंने ये अप्लाई किया है शुगर वाटर, और जो जितनी भी आइसिंग बची है अब हम उसको पूरे केक पे अप्लाई कर लेंगे पैलेट नाइफ से। पूरे उसके चारों एरियाज़ में हम आइसिंग इसकी कवर कर लेंगे। आइसिंग अप्लाई करना इज़ अ बिट हार्ड स्टेप, वो भी तब जब के बटर फ्रॉस्टिंग हो। मेक श्योर आप लोग का केक टूटे ना आइसिंग अप्लाई करते हुए, क्योंकि बहुत दफ़ा ये होती है ये चीज़। और मैं अपनी पैलेट नाइफ को फिर से वॉश करूँगी और अच्छे से आइसिंग अप्लाई करूँगी, क्योंकि हमारी पैलेट नाइफ पे ऑलरेडी फ्रॉस्टिंग लगी हुई होती है तो वो सही से अप्लाई नहीं होता है केक पे, इसलिए हम वॉश भी करते जाएंगे और साथ साथ आइसिंग भी उसकी लगाते जाएंगे ताकि अच्छी सी एक फिनिशिंग आए। यहाँ पे अप्लाइंग बिल्कुल कंप्लीट है और इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी फॉर 10 मिनट्स। और फिनिशिंग देखें कितनी ज़बरदस्त आई है, फ्रिज में रखना इज़ रियली मस्ट ताकि हमारी जो आइसिंग अच्छे से सेट हो जाए। और मैंने पाइपिंग बैग में एक नोज़ल सेट कर लिया और यहाँ पे मैंने अच्छा सा एक फ्लावर बना लिया आइसिंग से ही। फिर ऊपर से मैं चॉकलेट स्प्रिंकल कर लूँगी। डेकोरेशन मैंने अपने हिसाब से कर ली थी, जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी। यहाँ पे मैंने गोल्डन बॉल्स भी ऊपर से लगा दी हैं, आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग किस तरीके से और डेकोरेट कर सकते हैं, अपने स्किल्स क्या शो कर सकते हैं केक पे। तो इस केक की बेहतरीन चीज़ यही है इसकी बटर फ्रॉस्टिंग, जो बहुत केक को इन्हेंस करती है, उसका जो टेस्ट होता है बहुत मज़े का होता है। यहाँ पे देखें केक कितने आराम से और स्मूथली कट हो गया। ट्राई दिस रेसिपी एट योर होम एंड डू कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन कि आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी। बहुत मज़े का, बहुत चॉकलेटी और ग्लेजी सा केक बना था। आप लोग इसकी आइसिंग देख सकते हैं कितनी स्मूथ सी है। इट वॉज सो डिलीशियस एंड अमेजिंग इन टेस्ट। Hope you guys like my video. See you guys soon in my next video. Allah Hafiz.